जिस युवक युवती ने लव मैरिज की थी, आज वह तलाक के लिए कोर्ट पहुंचे और युवक ने युवती के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया, जिससे मौजूद वकीलों ने युवक को पकड़कर जमकर धुनकर पुलिस के हवाले कर दिया। आजकल बिना घर परिवार जाने युवक युवती एक दूसरे के प्रेम जाल में फंसकर विवाह जैसे कदम उठा लेते हैं, जबकि विवाह एक पवित्र बंधन ही नहीं, दो परिवारों का मिलन और जीवन भर साथ निभाने की अहम रस्म है। यह देखिए मोबाइल पर होने वाली एक प्रेम कहानी की हकीकत, जो लव मैरिज तक पहुंची और महज 2 साल में ही तलाक के लिए प्रेमी एक दूसरे के दुश्मन बनकर कोर्ट तक जा पहुंची। यह बात आज से 2 साल पहले वर्ष 2016 की है। रामद्वारा में रहने वाली पिंकी रेखवार के घर की टीवी खराब हो गई थी, तो उसके घर वालों ने टीवी सुधारने वाले सोनू पंथी को फोन लगाया। सोनू पंथी ने टीवी सुधारते सुधारते पिंकी पर भी नजरें जमा दीं। फिर क्या था, पिंकी भी सोनू पंथी की नजरों से आकर्षित होने लगी। पिंकी को देखने के लिए सोनू पंथी ने टीवी सुधारने में काफी वक्त भी लगाया। जब टीवी सुधर गई तो सोनू पंथी अपना मोबाइल नंबर पिंकी को देकर कहने लगा कि फिर अगर टीवी खराब हो जाए तो बुला लेना। धीरे धीरे समय बीता और किसी तरह धोखे से पिंकी से सोनू पंथी के मोबाइल की घंटी बज गई। हालांकि पिंकी ने मोबाइल काट दिया, लेकिन सोनू पंथी के मोबाइल पर उसका नंबर पहुंच गया। जब समय मिलता, सोनू पंथी पिंकी को मोबाइल लगाकर बात करने लगा। कहते हैं जब प्रेमी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हवाई सपने दिखाकर किसी तरह प्रेम के जाल में फंसा ही लेते हैं। हुआ भी यही, सोनू पंथी के प्रेम जाल में आखिर पिंकी फंस गई और दोनों ने एक दूसरे से प्रेम करना भी कबूल लिया। धीरे धीरे सुनसान क्षेत्र में मुलाकात होने लगी और फिर दोनों ने घर से दूर भोपाल जाकर वहां के आर्य समाज के मंदिर में जीवन भर साथ जीने मरने की कसम खाकर विवाह भी कर लिया। कुछ समय तो ठीक चला, लेकिन प्रेम का भूत तब दोनों के सर से उतर गया जब गृहस्थी चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, ना कि प्रेम की हवा हवाई और चिकनी चुपड़ी बातों की। दोनों के बीच पैसे की तंगी और एक दूसरे पर बेवजह शंका करने के चलते प्रेम काफूर होने लगा। दोनों के बीच अथाह प्रेम नफरत में बदलने लगा, एक दूसरे के दुश्मन बनने लगे। पिंकी प्रेमी का घर छोड़कर अपने माता पिता के घर पहुंच गई। मामला कुछ दिन ऐसे ही चला। आज सोनू पंथी ने पिंकी को बुलवाया और कहा कि जब दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगे तो फिर क्यों ना तलाक लेकर अपना जीवन अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से जिया जाए। पिंकी ने भी सोचा कि चलो ठीक है, तलाक ही सही होगा। सोनू पंथी के तलाक लेने की बात से राजी होकर पिंकी अदालत आ गई। अदालत में जब सोनू पंथी आया तो रुमाल से मुंह ढक लिया और कहने लगा कि उसकी इज्जत खराब होगी इसलिए मुंह ढक रहा है। पिंकी को यह बात नागवार गुजरी और उसने कहा कि उसकी भी तो इज्जत खराब हुई है, लिहाजा पिंकी ने सोनू के मुंह पर बंधा रुमाल एक ही झटके में खींच दिया। मुंह से रुमाल खींचने पर सोनू आग बबूला हो गया और भरी अदालत परिसर में पिंकी के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। मौजूद वकीलों ने जब एक युवती के साथ मारपीट होती देखी तो उनसे रहा नहीं गया और सोनू पंथी को पकड़कर सभी वकीलों ने धुनाई लगाना शुरू कर दिया। सोनू पंथी के साथ मारपीट कर वकीलों ने पुलिस के हवाले कर दिया। अब पिंकी का कहना है कि शासन ने लव मैरिज के बाद अंतरजातीय विवाह के जरिए जो 2 लाख रुपए दिए थे, वह सोनू के पास हैं, लिहाजा उसे रकम वापस दिलाई जाए और मारपीट आदि का मुकदमा भी दर्ज किया जाए। जी, क्या मामला है ये जो आपने शादी की? सर, इनने मतलब पहले तो इनने मेरे से बातचीत करी, ठीक है ना, ये मेरे घर पे आए थे वो टीवी सुधारने के लिए। टीवी सुधारने के बाद में इनके पास मेरा नंबर चला गया, तो उसके बाद में हमारी बात होने लगी। बात होने के बाद में फिर इनने देख लिया कि हाँ अच्छे से फंस गई, तो इनने मतलब शादी के लिए मुझे फोर्स करा कि तुम ना मेरे से शादी कर लो। कहाँ, कब की थी शादी? 2016 में। कहाँ पे? आर्य समाज के मंदिर से। कौन है जो जिन आपके पति के क्या नाम है जिनसे शादी हुई है? सोनू पंथी। कहाँ रहते हैं ये? इनका पता आएगा सेवना टेरन का। सेवना टेरन का। हाँ। अभी क्या हुआ?
अभी तो जे है ना जहाँ रह रहा है हर्ष विहार कॉलोनी जी। अभी फिर क्या आज हुआ? क्या हुआ है यहां? आज है ना मैं जहाँ पे पेशी करने के लिए आई थी कोर्ट में केस चल रहा है तो जे मेरे पीछे पीछे आ गए। पीछे पीछे आने के बाद में इनने मुझसे जबरदस्ती कह लाई कि मैं तेरे पापा का ऐसा करवा दूंगा, तेरे पापा पे झूठा केस लगवा दूंगा, तेरी बहन को मारवा के फेंकवा दूंगा, तेरे भाई को ऐसा कर दूंगा। मुझे जबरदस्ती जो कोर्ट में लेके आए कह लाए तू वकील से बात करके मुझे तलाक दे दे जल्दी जल्दी, मेरे से जितना हर्जा खर्जा लेगी मैं उतना ही तुम्हारे घर वालों को तड़पा तड़पा के मारूंगा। उसके बाद में फिर मैं इनकी बातों में लग के मैंने कहा ठीक है तुम बात कर लो, मैं वकील से बात कर ले रही कि तलाक हो जाए। तो मैं फिर जहाँ आ गई ठीक है इनके ही कहने पर, जहाँ आने के बाद में जी अपना मुंह दुकान लाए कह लाए तेरी बेइज्जती हो रही मेरी थोड़ी ना हो रही। मैंने इनके मुंह पे ऐसे रुमाल खींच दिया तो इनने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया जहाँ पे। आपने आरोप लगाया था कि इनके माता पिता 2 लाख रुपए मांगते थे। हाँ, क्या वो मांगते थे क्या? हाँ उनने 2 लाख रुपए मांगते थे और 2 लाख के पीछे इनने शादी की थी, 2 लाख रुपए मिल गए तो बस ये लोग मुझे अच्छे से रखना छोड़ दिया और मारपीट करने लगे थे। 2 लाख रुपए दिए आपने? नहीं सर शासन की तरफ से तो मिल गए 2 लाख रुपए। हाँ मिल चुकी है वो? हाँ मिल चुकी है। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम पिंकी, उसका सोनू।